कर दिया गया। अब मैंने जो सारी सारी स्पेसिफिकेशन आपको बता दी, मजबूत खबार है बहुत ज्यादा, ठीक है। यही लगा के मैं करता हूँ, वॉइस करूंगा, दोनों ज्वाइंट कर दिए मैंने इसकी बाहर। बैक टू गाइस, अमन शिबा ब्लॉग चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके लिए मैं लेके आया क्योंकि नई वीडियो, आपने कहा था हीरा 2 प्रो की वीडियो लेके आओ। हीरा 2 प्रो को अब H2 बीस्ट के नाम से जाना जाता है, आज से H2 बीस्ट के नाम से जाना गया। 4 अगस्त से उसकी बहुत ज़्यादा सेल हुई है, तो मैंने भी, मेरे पास डिलीवरी आ गई, तो मैं उसकी वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूँ। सारी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा हीरा 2 की, क्योंकि पिछली बार जो हीरा 2 लॉन्च हुआ था, जो 2020 में जब कंपनी स्टार्ट हुई थी फ्लोमेट की, तब हीरा 2 ने बहुत ज़्यादा टैल का मचा रखा। तो इस बार भी हीरा 2 बीस्ट कर दिया गया, और अपग्रेड कर दिया, पहले से और अच्छी लुक कर दी गई इसकी। फटाफट बताऊंगा स्पेसिफिकेशन, एंड मैंने कल उसकी वीडियो ब्लैक डायमंड की अपलोड करती हूँ, जाके जिसने वीडियो नहीं देखी जाके वो चेकआउट कर लो मेरे चैनल पे। ये भी वीडियो मेरे चैनल पे बहुत जल्दी आएगी, आज मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मेरे पास डिलीवरी हो चुकी थी। सारी स्पेसिफिकेशन आपको बताऊंगा, तो बने रहे वीडियो के अंदर। सेट मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इंतजार की घड़ियाँ खत्म होगी। मेरे पास बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आ रहे थे H2 बीस्ट की वीडियो लेके आओ, हीरा 2 प्रो की वीडियो लेके आओ, तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पे आने वाली है। मेरे पीछे पड़ा है सेट, आपको मैं सेट की लुक दिखाता हूँ, सारी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ सेट की, फटाफट मैं दिखाता हूँ आपके लुक। ये है वो सेट, फ्लोबिट के नीचे ब्रांडिंग दे रखी है, H2 बीस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। आज से ये आने वाला अच्छा सेट आ गया, क्योंकि हीरा 2 2020 में भी आया था, लेकिन अब इसको बीस्ट कर दिया गया, H2 बीस्ट के नाम से जाना जाएगा। आज से इसको लुक देखिए इसकी कितनी बढ़िया, मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखा देता हूँ, देखिए लुक कितनी बढ़िया। ये बिल्कुल रॉयल लुक, जिसको रॉयल लुक कहते हैं ना, जो अपने चारकोल वाली होती है, देखिए चारकोल बॉडी है इसकी, देखिए जैसे फेस के ऊपर चारकोल लगाते हैं ना, वैसे चारकोल बॉडी है ये वाली। एंड लुक देखिए कितनी अच्छी कर दी गई है। इस साइड पे इसकी डिस्प्ले है गोल पे, ये खाली डिजाइन है, इस साइड पे डिस्प्ले नहीं। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, जैसे वो ब्लैक डायमंड के अंदर भी था, आपने कहीं सोचा था यहाँ पे डिस्प्ले, इस पर डिस्प्ले नहीं, मेन यूनिट पे डिस्प्ले है, ये खाली डिजाइन के लिए। एंड लुक देखिए रॉयल लुक दी गई है, पूरी चारकोल वाली, जो चारकोल फेस पे लगाते हैं ना वो तैयार होने के लिए, स्किन ग्रोइंग करने के लिए, वो इसके अंदर है चारकोल लुक के अंदर। नीचे फ्लोबिट की ब्रांडिंग है, H2 बीस्ट के नाम से आपसे जाना जाएगा। फटाफट बताता हूँ मैं इसको स्पेसिफिकेशन, फिर मिलता हूँ आपसे बाद में यार। उसके स्पेसिफिकेशन एक एक चीज आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा, एंड में इसके अंदर भी वही बीट्स चालू करूंगा, पंजाबी नॉन कॉपीराइट वाली बीट चालू करूंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। हेडफोन्स का जरूर यूज करिएगा। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, इसके अंदर हमें 10-10 इंची का 2 सबवूफर मिलते हैं 120 मैग्नेट के अंदर। यार इस रेट के ऊपर 120 मैग्नेट के अंदर मिलना, कई 110 की मैग्नेट देते हैं, कई 100 की मैग्नेट, 120 की मैग्नेट दी गई है हीरा 2, जिसको H2 बीस्ट के नाम से जाना जाता है। ये 10-10 इंची का 4 सबवूफर है 120 की मैग्नेट के अंदर। आगे की बात करते हैं, आगे 4-4 इंची 2 मीटर दी गई है, 4-4 इंची 2 डिवीडर दी गई है। दोबारा बोल रहा हूँ, 4-4 इंची 2 मीटर है, 4-4 इंची 2 डिवीडर दी गई है। मैं आपको इसकी वुडन की थिकनेस बताऊंगा, जितनी अच्छी वुडन होगी उतना ज्यादा बेस निकले, उससे ड्रमर निकलेंगे, उससे बेस निकलेगा, एंड वोकल भी क्लियर निकलेंगे जितनी अच्छी वुडन दी गई थी। पिछले हीरा 2 के अंदर भी वुडन बहुत अच्छी प्रोवाइड की गई थी, इस बार भी वुडन का काम बड़ा अच्छा गया। मैं आपको वुडन भी दिखा देता हूँ, ये देखिए वुडन, ये वुडन है 11 mm की वुडन है, देखिए वुडन की, देखिए इतनी है वुडन, इतनी है वुडन, ठीक है। 11 mm की वुडन दी गई है सेट के अंदर, दोनों 11 mm की, दोनों सेट पेयर में आते हैं। आप पेयर नहीं चलाना चाहते, अलग चलाना चाहते तो अलग भी चला सकते हैं। आप खुले में चला रहे हैं, आप पार्टी कर रहे हैं, कोई किटी पार्टी कर रहे हैं, तो आप उसमें दो सेट को ज्वाइन करके चला सकते हैं। इसके अंदर TWS का ऑप्शन मिल जाता है, वो मैं किसी और वीडियो के अंदर आपको क्लियर करूंगा। TWS का ऑप्शन मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, वो अगली वीडियो के अंदर मैं कोई क्लियर कर दूंगा, जब मैं एक और सेट लूंगा उसके साथ कनेक्ट करूंगा हीरा सीरीज। खाली हीरा सीरीज के साथ ही TWS का ऑप्शन चल सकता है, कोई और सीरीज के साथ नहीं चले, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्लियर कर दूंगा। फिलहाल अभी मैं आपको और स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, आपके जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सेट के अंदर क्या क्या सामान लगाऊंगा। बात करता हूँ उसके वॉल्यूम की, जैसे ब्लैक डायमंड के ऊपर उसके अपर में वॉल्यूम दिए गए थे, इसके भी अपर में वॉल्यूम, आपको मैं वॉल्यूम दिखा रहा था, ये देखिए इसके वॉल्यूम। यहाँ पे माइक का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप माइक लगा सकते हो बाहर वाला, ये ट्रबल का ऑप्शन है, बेस का ऑप्शन है, आपसे बेस एडजस्टेबल कर सकते हो, ये वॉल्यूम का ऑप्शन है, ऐसे वॉल्यूम एडजस्टेबल कर सकते हो, एंड यहाँ से आप वॉल्यूम कम कर सकते हो, गाने को स्कैन, जैसे स्कैन को पेज करना हो स्कैन कर सकते हो, वॉल्यूम प्लस में कर सकते हो, वॉल्यूम ज़्यादा कर सकते हो, एंड ये मोड का ऑप्शन है, आप मोड ऑक्स FM USB ब्लूटूथ पे मोड कर सकते हैं, यहाँ पे आप पेन ड्राइव लगा सकते हो या USB लगा सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। ये कुछ ऊपर का था इसका कंसोल। अब मैं बात करता हूँ उसके बैक साइड की बात करूंगा, एंड आपको बताऊंगा इसका कौन सा एम्पलीफायर कौन सा IC यूज करा गया, फटाफट मैं इसके आपको बैक भी दिखा देता हूँ। मैं आपको बैक दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मेन पार्ट चालू होता है वीडियो का। पीछे देखिए फ्लोबिट की ब्रांडिंग दे रखी है कितनी अच्छी तरह, एंड ये ऑक्स का दे रखा है, आप अपनी LED के साथ कनेक्ट, इधर लेफ्ट के अंदर लेफ्ट लगेगी, राइट के अंदर राइट लगेगी। आप LED के साथ सराउंडिंग साउंड बनाना चाहते हो अपने सेट की, आप पे वहाँ पे ये काम आएगा। एंड ये देखिए मैं थोड़ा आगे करके दिखाता हूँ, ये एंटीना की वायर है,
जैसे आप पुराने गाने सुनने के शौकीन हो या कोई लाइव गाना सुनना है आप कंटीन्यू में आप वो सुन सकते हो। आप उसको खोल के थोड़े बाहर की साइड कर देना जहाँ पे आपको सिग्नल प्रॉपर मिले, कोई अंदर सिग्नल ना कट जाता है, थोड़ी बाहर की साइड करते हैं सिग्नल आपको प्रॉपर मिलेंगे। एंड ये ऑन ऑफ का पावर का बटन है, देखिए बटन की क्वालिटी भी अच्छी दी गई है। एंड कहीं में बहुत ज़्यादा टाइट होता है बटन ये, लेकिन इसमें बटन थोड़ा अच्छा क्वालिटी का दिया गया, देखिए बड़ी आराम से काम कर रहा है। एंड ये जो हम अपनी मेन लीड है, ये देखिए मेन लीड, ये मेन लीड की क्वालिटी है, जो मेन लीड है। एंड ये है दूसरी यूनिट को चलाने के लिए, जैसे पिछली वीडियो में बताया जैसे पंखे के अंदर होता है ना, इसको क्लिपिंग सिस्टम कहते हैं, इसको क्लिपिंग सिस्टम कहते हैं। ये आराम से जॉइंट हो जाए, जैसे मैं करूँगा ना, देखिए आपके सामने जॉइंट कर रहा हूँ मैं इसको, ये देखिए ये होगी आराम से जॉइंट, जोर की भी नहीं करना, जो तार निकल जाए वरना तार क्रैक भी हो सकती है आपकी फटाफट। एंड एक और बात, इसके अंदर पीछे आपको माइक रखने का भी होल्डर मिलता है, देखिए जैसे माइक है, माइक को बाहर निकाल लेता हूँ, देखिए माइक को मैंने बाहर निकाल लिया, माइक भी आपको चेक करके दिखाऊंगा, इसके साथ माइक भी आता है, वायरलेस कोर्डलेस माइक आता है। ये पीछे होल्डर है, आप इसमें माइक ऐसे आराम से, जैसे मैं लगाऊँ, ये देखिए आराम से माइक लग भी गया। एंड मैं फटाफट आपको मैं स्पेसिफिकेशन और बताता हूँ। एंड इसके अंदर जो मैं बात कर रहा था आईसी, इसके अंदर 7294 आईसी यूज़ करेगी, जो ब्लैक डायमंड के अंदर भी यूज़ करेगी, 7294 आईसी यूज़ करेगी, 7294 आईसी यूज़ करेगी इसके अंदर, जो ब्लैक डायमंड के अंदर भी यूज़ करेगी थी 7294 आईसी। एंड डुअल एम्पलीफायर सर्किट है इसके अंदर, ध्यान से सुन लीजिएगा, ड्यूअल एम्पलीफायर सर्किट दिया गया, 7294 की आईसी है, जो ब्लैक डायमंड में भी यूज़ करी थी, हीरा 2 बीस्ट में भी यूज़ करेगी। अभी मैं आपको और आगे बताता हूँ। और जरूरी बात, आप कहते हैं एयरपॉड बैक में दे दिया, साइड में नहीं दिया, आगे नहीं दिया, पीछे देने का एक और फायदा होता है, जब एयरपॉड देखिए इसके पीछे है दोनों एयरपॉड, जब दीवार के सटका के रखोगे ना, जब बेस निकलेगा गाने का सीधा दीवार से होके एकदम बेस की अच्छी क्वालिटी बाहर निकलेगी। देखिए ये मूव थोड़ा ऊपर करता कनेक्शन को, ये दोनों एयरपॉड का कनेक्शन है, यहाँ से आपकी एयर जो बाहर निकलेगी, आप सॉन्ग चलाओगे जो बेस का प्रोड्यूस होता है, जितनी अच्छी बेस प्रोड्यूस होगी वो आपकी बाहर निकलेगी, दोबार से सटकेगी और अच्छा बेस प्रोड्यूस करेगी, और अच्छी इसकी गूंजनेस जो गूंजता है ना कमरे के अंदर, वो अच्छी गूंज बनेगी। इसलिए साइड पे नहीं, आगे नहीं दिया, इसके बैक में दे दिए एयर पाइप। पर फ्लोबिट ने एक और बात खासियत दे रखी, इसको और अपग्रेड करने की कोशिश की है, आप इसके अंदर कैरियर सिस्टम सिंगिंग भी कर सकते हो, आप इसके अंदर कोई म्यूजिक चालू करोगे माइक इसके साथ मिलता है, या आपको दूसरा माइक लगाना है वायर वाला खरीद कर लगा सकते हो, उसके साथ वॉल्यूम से सिंगिंग भी कर सकते हैं कैरियर सिंगिंग। और चीज अपग्रेड कर दी गई इसके अंदर 5.2 वर्जन दिया गया ब्लूटूथ का, 5.2 वर्जन ब्लूटूथ का दिया गया, मतलब और अच्छी कनेक्टिविटी कर दी गई है, मतलब मोबाइल लेकर दूर जाओ तो भाई लैकनेस ना है, और अच्छी क्वालिटी कर दी गई है सेट के साथ, ब्लूटूथ की 5.2 वर्जन है। कनेक्शन कर दिए, देखिए वायर वो जा रही है, एरी वायर तो मैंने कनेक्शन कर दिए, अब मैं इसको ऑन करके दिखाऊंगा और आपको स्पेसिफिकेशन तो क्लियर होगी होगी सेट की, और ज़्यादा क्लियर करने में कोई जरूरत नहीं है, बाकी आपको जो पता है आपके पास जो घर पे पहुंचा होगा, आप कईयों ने और नहीं वीडियो बनाई होगी यूट्यूब पे, लेकिन मैंने जो मेन पॉइंट था सेट की, जो मेन खासियत थी किस क्या एम्पलीफायर क्या सर्किट क्या इसी यूज़ कराया गया, मैंने उस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया। अब मैं इसको ऑन करूँगा, देखिए यहाँ पे हाई लिखा आएगा, तो देखिए यहाँ पे हाई लिखा आ रहा है, मतलब हेलो लिखा आ रहा है, कितना अच्छा है, देखिए ब्लूटूथ पे सेट है। अभी मैं इसके मोड भी चेंज करके दिखाऊंगा आगे, ऑक्स पे, एफएम पे, यूएसबी पे, आप इसको एलईडी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, रिमोट कंट्रोल तो इसका रिमोट आता है, वो भी आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। अभी मैं इसके मोड चेंज करता हूँ, आपको यहीं पर दिखाई देंगे मोड, मैं चेंज कर रहा हूँ मोड, देखिए अभी ब्लूटूथ पे है, ये एफएम पे आ गया, ये ऑक्स पे आ गया, और ये माइक की इको पे आ गया। जितनी आप इको खोलोगे, देखिए इको लिखी आ रही है, और मैं आगे एक बात बताता हूँ आपको, अब माइक की जितनी इको खोलोगे उतनी बार उसकी गूंज सी जाएगी, जैसे आप बाहर पार्टी कर रहे हो तो माइक की इको खोल के करोगे ना पार्टी, तो उतनी बार और ज़्यादा गूंजेगी, सराउंडिंग साउंड बनती जाएगी, वो भी आपको मैं करके दिखाऊंगा इको खोल के। चीज आपसे क्लियर कर दी गई सेट के अंदर, क्या क्या स्पेसिफिकेशन दी गई है, क्या क्या सामान लगा, कौन सा सर्किट कौन सी आईसी लगी है, सब क्लियर कर दिया गया। अब मैं करने जा रहा हूँ उसका बेस टेस्ट, एक मैं नॉन कॉपीराइट बीट चालू करूंगा, पिछले ब्लैक डायमंड के अंदर भी आपने प्यार दिया वही बीट चेक करूंगा, एंड इसका भी एयरपैक का प्रेशर देखेंगे कितना प्रेशर निकलता है, कितनी जोर से निकलता है, क्योंकि अभी H2 Beast के नाम से जाना जाता है, H2 Pro एंड H2 Beast के नाम से जाना जाएगा। फटाफट करता है मैं एक सॉन्ग प्ले, फिर आपसे बात करता हूँ। इस पर एक सॉन्ग प्ले करने जा रहा हूँ, सैमसंग के फोन से करने जा रहा हूँ, देखिए पीछे ब्रांडिंग है सैमसंग की, कोई मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा वीडियो को, मैं खाली बताने के लिए कह रहा हूँ, स्पॉन्सर यूज करने जा रहा हूँ। एंड ये देखिए ब्लूटूथ का सेट है, अब इसको मैं कनेक्ट करूंगा अपने फोन के साथ, कनेक्टिविटी करते हैं आपको मैं दिखाता हूँ अपने फोन के साथ, इसको कनेक्टिविटी करके दिखाऊंगा। देखिए मैं ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ, आपकी स्क्रीन पर जैसे आ रहा है मैंने ब्लूटूथ ऑन कर लिया, देखिए फ्लोबिट का नाम आ रहा है, ये कनेक्ट हो जाए, ये कनेक्ट हो चुका, कितनी फास्टिंग है, जो कि 5.2 वर्जन इसको अंदर दिया गया है, फटाफट कनेक्ट होने का मतलब एडजस्टेबल फटाफट हो जाए, वोकल भी सही क्लियर करेंगे, कोई लैकनेस ना है, इसलिए 5.2 वर्जन का इसके अंदर यूज करा गया। फटाफट करते इसमें सॉन्ग प्ले, फिर मिलता हूँ मैं आपको बाद में। पिरा ट्रैक म्यूजिक प्ले करने जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं कौन सा नॉन को पिरा ट्रैक
प्ले करने जा रहा हूँ एंड मैं जैसे वॉल्यूम खोलूंगा धीरे धीरे बेस ड्रम खोलता जाऊंगा आपको अंदाजा हो जाएगा। यूज कर लीजिएगा हेडफोन्स का क्योंकि आपको थोड़ा सही तरह अंदाजा हो जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में हर वीडियो में कहा मेरा माइक पुराना हो चुका है तो इस सेट पे वो लैगनेस नहीं। मैंने भी इसको यूज करा है, मैंने चलाया तब आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। मैं जैसे जैसे वॉल्यूम खोलता जाऊंगा बेस खोलता जाऊंगा ट्रबल खोलता जाऊंगा आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा सॉन्ग मैं प्ले करने जा रहा हूँ। मॉडल्स का जो NCS का म्यूजिक है वो प्ले करने जा रहा हूँ। उसके साथ मैं इसकी वॉइस खोलूंगा, जैसे देखिए ब्लूटूथ पे ये ब्लू पे कनेक्ट है वैसे इसकी वॉइस खोलूंगा। दोनों ज्वाइन कर दिए मैंने इसकी वायर एंड देखिए लुक कितनी प्यारी आ रही है। फ्लो बीट के नीचे ब्रांडिंग दे रखी है। जैसे मैं ये वाला सॉन्ग प्ले करता हूँ एंड उसके साथ वॉल्यूम खोलूंगा फटाफट करते हैं इसमें एक साउंड टेस्ट, फिर मिलता हूँ मैं आपको बाद में एंड आपको थोड़ा क्लियर अंदाजा हो जाएगा। यूज़ कर लीजिएगा एंड मैं बार बार कहता हूँ हेड वीडियो मैं कहता हूँ यूज़ कर लीजिएगा अपने हेडफोन्स का क्योंकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा बेस का ट्रबल का कितना अच्छा बेस प्रोड्यूस होता है। फटाफट करते हैं इसमें यह साउंड प्ले, फिर मिलते हैं आपको बाद। एंड मैं यही वाला म्यूजिक प्ले करने जा रहा हूँ इसके अंदर। देखिए मैं म्यूजिक इसको प्ले करता हूँ, म्यूजिक खोल दिया। अब मैं खाली इसके अंदर अभी मैं आपको बिना बेस के चला के दिखाऊंगा, उसके बाद बेस के वो चला के दिखाऊंगा, दो सॉन्ग चला के दिखाऊंगा। यही वाला सॉन्ग होगा एक बिना बेस के एक बेस के साथ, अब फिर अंदाजा हो जाएगा सेट के अंदर आवाज कैसी है। फटाफट करता हूँ इसका वॉल्यूम खोलता आपको पास आके दिखा रहा थोड़ा। देखो मैं वॉल्यूम खोल रहा हूँ अभी बिना बेस के वॉल्यूम खोल रहा हूँ। बेस की आपने सुना, अब मैं इसकी बेस खोल के दिखाऊंगा। देखिए मैं बेस खोलूंगा, सॉन्ग प्ले कर देता हूँ, बेस खोल रहा आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। बेस मैं खोलने लगा इसी सॉन्ग के ऊपर, पावर मिलती है उसकी तो आप जानते हो रोलिंग बेस को, क्योंकि 2020 में जो उनका हीरा 2 आया था उसके अंदर भी वो था। अब तो उसको अपग्रेड कर दिया गया, और ज़्यादा अपग्रेड कर दिया गया, इसके पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई, वोकल्स की पावर बढ़ा दी गई एंड ट्रबल की पावर वोकल और क्लियर कर दी गई, बेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया एंड यही कुछ इसकी लुक थी। एंड मैं आपको इसका अब एक और अट्रैक्टिव बात मैंने बताया था, उसका एयर पाइप का प्रेशर दिखाता हूं। मैंने हर सेट पे एयर पाइप का प्रेशर दिखाया, ब्लैक डायमंड 4 मिनी का भी दिखाया, इसका भी एयर पाइप का प्रेशर दिखाता हूं। फटाफट तो मैं बैक साइड दिखाता हूं एयर पाइप का प्रेशर दिखाता हूं आपको। तो ये है वो अखबार, जिस देखिए अखबार भी देखिए क्वालिटी कितनी अच्छी अखबार की एंड ये एयर पाइप है। यहाँ से देखेंगे प्रेशर निकाल के देखेंगे कितना अच्छा प्रेशर जो निकलता है एंड जो दीवार से सटक के लगता है एंड प्रेशर की ज़्यादा गूंज निकलती है। वही सॉन्ग प्ले करेंगे, बेस वाला करेंगे थोड़ा सॉन्ग प्ले जो हमने हीरा 4 प्रो में भी करा था, क्योंकि नॉन कॉपीराइट स्ट्राइक आने का डर रहता है। फटाफट करते हैं वही वाला सॉन्ग प्ले करते हैं, फिर आपसे मैं प्राइस पॉइंट की प्राइस की बात करूंगा। प्राइस भी बहुत अच्छा दिया गया इस पर नई लुक के साथ। फटाफट करते हैं इसका साउंड टेस्ट एंड इसको फाड़ के देखते हैं एंड मैं इसको लगा रहता हूँ और आपके सामने बेस खोलूंगा। देखिए मैंने अखबार को, ये रही अखबार, आपने देख ली होगी अखबार अच्छी तरह, और मैं अखबार को लगा रहा हूँ। देखिए ये मैंने लगा दी अखबार को, अब मैं बेस खोलने जा रहा हूँ। फ़ोन से वॉल्यूम तेज कर देंगे इसका, फ़ोन से वॉल्यूम तेज कर देगा इसका, तेज कर देंगे वॉल्यूम, फ़ोन से भी तेज करना पड़ेगा थोड़ा वॉल्यूम, हमने कम कर रखा था वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ, क्या प्राइस मिलता है इस प्राइस के अंदर इतना अच्छा रोलिंग बेस एंड
दो आईसी यूज करे गए 7294 इसके अंदर भी यूज करा गया था, 7294 ब्लैक डायमंड के अंदर भी यूज करा था। बताता हूं उसका प्राइस एंड इसके अंदर मैं आपको कोर्डलेस माइक दिखाऊंगा, साथ में एक रिमोट भी दिखाऊंगा, कोर्डलेस माइक विद रिमोट भी आता है इसका इस प्राइस पॉइंट के अंदर। वो ये रहा रिमोट, इसके साथ आने वाला रिमोट ये रहा, एंड ये कोर्डलेस एक माइक आता है। माइक की टेस्टिंग करके दिखाऊंगा आपको कितनी अच्छी कोई लैकनेस नहीं माइक के अंदर, बहुत अच्छी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा आपको। माइक से बोल के दिखाऊंगा, ब्लैक डायमंड के अंदर बोल के दिखाया, इसके अंदर बोल के दिखाता हूँ। देखिए अभी ये ब्लूटूथ भी है, अब मोड चेंज करते हैं उसको इको में लेके आते हैं। ये FM पे आ गया, ये ऑक्स पे आ गया, ये इको पे आ गया। अब मैं अपना ये वाला जो कोर्डलेस माइक है उसको चालू करके दिखाता हूँ। उसके अंदर मैंने सेल डाल दिए हैं, देखिए डिजाइन कितना अच्छा दिया गया। ये ऊपर लाइट आती है, जैसे मैं उसको खोलूंगा ना लाइट आएगी। अब मैं आपको बोल के दिखाऊंगा इसके साथ, देखिए लाइट आ गई। अब मैं माइक के साथ आपको बोल के दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कैसी माइक की आवाज है। मैं थोड़ा बोल के दिखाता हूँ आपको माइक के साथ, आवाज खोल लेते हैं। हेलो 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 हेलो, देखिए कितनी अच्छी आवाज आ रही है, बाकी कोई लैग नहीं है, लैग कुछ नहीं है माइक के साथ, आवाज बिल्कुल क्लियर है। इस सेट कट के माइक की आवाज बहुत ज्यादा क्लियर है। तो आपके सामने ये माइक मैंने चेक करा दिया, अपना माइक देख लिया। अब मैं इसको ऑन ऑफ कर देता हूं, दोबारा इसको मैं ब्लूटूथ पे ले आता हूं। देखिए आ गया दोबारा ब्लूटूथ पे, एंड मैंने आपको इसका प्राइस भी बता दिया। एंड आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड कैसा लगा इस वीडियो का, कौन सा पार्ट सबको अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड सबने मेरे को कहा था H2 20 की वीडियो डालो, हीरा 4 प्रो की भी कह रहे दोबारा वीडियो डालो, तो वो देखूंगा फिर मैं को नई लुक में मंगवाना पड़ेगा, बुक करवाऊंगा, वो आएगा उसकी वीडियो आपके लिए मैं डाल दूंगा। फिलहाल इसकी वीडियो मैं डाल रहा हूँ, उसकी वीडियो एंजॉय करना। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी मिनी की या ब्लैक डायमंड की, वो देख लेना मेरे चैनल पर जाके। एंड इसकी वीडियो भी आपको मैं एक दो दिन में दे दूंगा, अभी मैं आपको बता दूँ। जैसे आपने सेट की आवाज, वोकल कितने क्लियर है, बेस कितना क्लियर है, एंड ट्रबल कितने क्लियर है, एंड लुक भी कितनी अच्छी दी गई है, वुडन दी गई, नीचे चारकोल कलर दिए गए, फ्लो बिट बैंडिंग H2 20 लिखा दोनों सेट के ऊपर। एंड फाइनली इसके प्राइस के ऊपर आते हैं, इसका प्राइस 8500 रुपये है, 8500 रुपये प्राइस है, बहुत सही प्राइस रखा गया है इस रेट के अंदर। रोलिंग बेस का ऑप्शन मिल रहा है, साथ कोर्डलेस माइक मिल रहा है, रिमोट मिल रहा है, क्योंकि 2020 में आया था जो हीरा 2 वो थोड़ी और लुक के अंदर था, अब लुक को सुधार दी गई और अच्छी लुक कर दी गई। आगे देखिए लुक कितनी अच्छी कर दी गई है, चारकोल कलर के साथ है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मेरे बेल आइकन को जरूर दबा देना, कोई आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय।